एम गवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, स्वामित्व योजना, जिसका लाभ अब तक ग्रामीण अंचल में लाल डोरे के अंदर लोगों को मिल रहा था, उसका लाभ अब शहरी क्षेत्रों में भी एक नई योजना आज मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, जिसके माध्यम से स्वामित्व का लाभ शहरी क्षेत्रों में जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी मिलेगा, जो छोटे व्यापारी उनको भी मिलेगा। तो इन दोनों परियोजनाओं का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि दोनों योजनाओं को जनता को समर्पित करें। तो अब मैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध करूंगा कि जन सहायक ऐप के बारे में सभी को नमस्कार सर, ये जन सहायक ऐप ऑनरेबल सीएम सर का एक पूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके कारण सभी सिटीजन हरियाणा के सिटीजन को सारी सेवाएं मोबाइल के माध्यम से मिले। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम रहेगा। प्राइमरली ये जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और एप्पल प्लेटफॉर्म दोनों पर अवेलेबल है। मैं सीधे ही एप्पल ये एप्लीकेशन पे चले जाता हूँ और थोड़ा सा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले जाते ही ये इंग्लिश और हिंदी में आपको चयन करने को पूछेंगे। आपके चयन अनुसार वो आगे आपको लॉगिन करने के लिए बताएंगे। लॉगिन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से अपने और एक परिवार पहचान पत्र से। मोबाइल करते ही आप मोबाइल नंबर डालते ही आपको एक OTP आपके फोन में आएगा। OTP लॉगिन करते ही आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो आपको सेवाएं लेने के लिए परिवार पहचान पत्र में लॉगिन करने के लिए फिर से पूछा जाएगा। आप अगर बाद में करना चाहते हैं तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप स्किप करके आगे देखना चाहते हैं ऐप कैसी है और क्या क्या सेवाएं हैं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। बट जब सेवाएं लेनी है, और सरल की सेवाएं भी इसमें सारी उपलब्ध है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको परिवार पहचान पत्र के साथ अपना यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन एक नोटिफिकेशन का भी माध्यम है। सरकार की कोई भी योजना, कोई भी नए जो इवेंट्स हैं उनको सिटीजन को भेजने के लिए हम सिटीजन का उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका जेंडर और उसकी आयु पूछ लेते हैं। अगर ये हमारे पास ये फीड जैसे आ जाती है तो हम यहाँ से कस्टम नोटिफिकेशंस भी जो है सरकार के माध्यम से नीचे सिटीजन को पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुड़गांव में अगर कोई इवेंट है उसकी जानकारी देनी है, या कोई वैक्सीनेशन ड्राइव है एक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, तो हम पर्टिकुलर एज ग्रुप को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और इससे सरकारी सेवाएं डायरेक्ट उसको नोटिफाई हो जाएंगी। ये एक तिथि डाल के देख रहे हैं, ये बहुत ही सरल एप्लीकेशन है जिसमें तीन तरह की सेक्शंस बनी हुई हैं। एक है इमरजेंसी सेवाएं,
दूसरा है गवर्नमेंट सेवाएं और तीसरा है अदर सेवाएं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेवाएं देखेंगे, इमरजेंसी सेवाएं देखेंगे, तो इसमें आपको इमरजेंसी 112 डायल 112 है, डायल 100 है, डायल 108 एम्बुलेंस सर्विस है, 101 फायर सर्विसेज है, 104 हेल्थ सर्विसेज है, 1091 वुमेन सर्विसेज है, 1098 चाइल्ड सर्विसेज है और 1075 कोविड हेल्पलाइन भी है। अब इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका फोन आपको डायल करने के लिए भी बोल देगा, आप डायरेक्ट इस बटन को दबाते ही आपका कॉल उस सेवा को लग भी सकता है। दूसरी हमारी गवर्नमेंट टू जो G2C जिनको कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं, को सरल की सारी सेवाएं मिलेंगी आपको। सरल के पेज पे जाके उसका फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ के ही आपके प्रोफाइल से सेवाओं को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से ही आपकी सेवाएं मिल जाएंगी और आपको अलर्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी वाइज हमने 3-4 कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे सरल की सर्विसेज, डिपार्टमेंट वाइज सर्विसेज। अगर एक सिटीजन को खोजनी है कोई सर्विस तो वो एक बहुत सरल उसका सर्च ऑप्शन होना चाहिए। जैसे अभी मान लेते हैं हम डिपार्टमेंट को सर्च करते हैं और डिपार्टमेंट में रेवेन्यू को सर्च करते हैं, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी सेवाएं होंगी वो यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम दूसरा पुलिस देखते हैं तो पुलिस की सेवाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम से सेवाओं को सर्च नहीं करना है और आप किसी का जैसे नाम डाल के सर्च करना चाहते हैं, जैसे सर्टिफिकेट बेस्ड सेवाएं कौन सी हैं, तो अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड लिखना शुरू करेंगे सेवाओं में जाके, सर्वे में जाके जैसे सर्टिफिकेट लिखा मैंने, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड जो सेवाएं हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, जहां जहां पे भी वो सर्विस में उसका नाम कीवर्ड सर्च होगा वो वहां पे आ जाएगा, चाहे वो आप डिपार्टमेंट के नाम डालें, चाहे वो आप सर्विस का नाम डालें, चाहे वो किसी भी सेवा का नाम डालें, वो यहां पे सर्च इनकम इजी सर्च कीवर्ड बेस्ड सर्च जो है वो आपको मिल जाएगी। फिर एक यूजर कैटेगरी वाइज भी हमने इसको कैटेगराइज किया है, जैसे अगर युवा है या किसान है या वुमेन है या सीनियर सिटीजन है, तो उनकी कैटेगराइज में भी इनको हमने सर्विस को टैग करके रखा है। अगर कोई युवा है, जैसे युवा पे क्लिक करेंगे तो युवा की जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, तो उनको अगर किसी सर्विस के बारे में नहीं भी पता तो इन कैटेगरीज में जाके वो उसको खोज सकते हैं और अच्छे से उनका यूज करते हैं जो उनको यूज करने है। एक पब्लिक ग्रीवियंस का भी हमने बनाया है इसमें सेक्शन, CM विंडो पे भी डायरेक्टली यहाँ पे जाके कंप्लेन डाल सकते हैं या अपनी ग्रीवियंसेस डाल सकते हैं, पुलिस की FIR हो सकती है और RTI भी डाल सकते हैं। तो ये RTI भी यहाँ पे, ये तीनों सेवाएं भी यहाँ से उपलब्ध है। अदर सेवाओं में अगर आप देखेंगे तो हमने टेंडर्स की जानकारी रखी है, जो भी हरियाणा सरकार के नए टेंडर्स आएंगे वो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक में दिख जाएंगे। अगर आप टेंडर्स की साइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे वो विजिबल होते रहेंगे। बिल पेमेंट्स की सेक्शन, जैसे आपकी बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, ये सारे बिल सेवाओं का यहाँ से पेमेंट आप ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रैवल सेक्शन है एक हमारी, जिसमें IRCTC बस टिकटिंग और एयर बुकिंग की भी सुविधा इसमें डाल रखी है। एक जॉब्स सेक्शन है हमारा, जहाँ जहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, तो जॉब्स पब्लिक सर्विस कमीशन या सक्षम युवा या स्पोर्ट्स जॉब, ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पे चिन्हित हैं। जो भी सिटीजन जिस भी कैटेगरी में जाके अपने आप को कनेक्टेड फील करता है वो उस सेवाओं में जाके अपना भर सकता है या उनको उनके बारे में जानकारी ले सकता है। तो ऐसे ही हमारी स्किल डेवलपमेंट भी कहाँ कहाँ पे हो रही है, तीन जगह, जैसे जैसे और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी जल शायद को हम और बेहतर बनाते जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक न्यूज सेक्शन भी है, ये न्यूज सेक्शन हमारे PR हरियाणा के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है और ये न्यूज आपको यहाँ पे हाईलाइट होती है और आप देख सकते हैं। अगर किसी न्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यूज की पूरी जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये जो हमने लैंग्वेज चूज करी हुई है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आगे दिखता है। वैसे ही हमारा एक आगे कैलेंडर भी है, कैलेंडर में हम लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, लिस्ट ऑफ न्यू इवेंट्स,
वो सारे यहाँ पे डाल सकते हैं और सिटीजन को पूरा अपडेट रहेगा कि ये इस दिन पे क्या होने वाला है, हमारे किस जगह पे कौन सा नया फंक्शन जो है वो होने वाला है, वो उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। एक और नया सेक्शन है, ये व्हाट्स न्यू करके सेक्शन है, ये हमेशा नया क्या नई जो भी चीज होंगी वो यहाँ पे आपको लिस्ट होती रहेंगी। जैसे आज हमारी लॉन्च है तो हमने आज इसका नया रखा है, ऐसे आगे के जो नए लॉन्चेस होंगे वो हम यहाँ पे हाईलाइट करते रहेंगे। हमने इसमें एक सेटिंग्स की भी प्रोविजन दी है जिसमें आप जाके कभी भी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये हिंदी करता हूँ तो ये सारी एप्लीकेशन जो है हमारी हिंदी में दिखनी शुरू हो जाएगी। एक बार न्यूज भी दिखा देता हूँ। तो जब हमने लैंग्वेज अपनी हिंदी करी तो हमारी अंदर का सारा कंटेंट जो है वो हिंदी में आ जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन की लैंग्वेज के अनुसार यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्रस्तुतिकरण के लिए अनुरोध करूंगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, CPS सर, प्रशासनिक सचिव महोदयगण, APS सर और सभी मीडियाकर्मी, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया है और इसकी जो मुख्य चर्चा हुई है कि जितनी भी दुकानें मकान जो तय बाजारी पर या रेंट पर या लीज पर या लाइसेंस पे दिए गए हैं और वो 31 दिसंबर 2020 को 20 साल तक या उससे अधिक कब्जेदारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और ये 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जाएगी। आप इसके मुख्य जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो बताना चाहूँगा, जिसमें कि जैसे कि इसका पोर्टल एक बनाया गया है जिस पोर्टल में सभी जो आवेदक हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें किसी प्रकार के मैनुअल इंटरवेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही उनको अपलोड करना है और उसमें सबसे पहले वो एक सेल्फ सर्टिफाइड लेटर देगा जिसमें कि वो बताएगा कि कितने समय से वो इस जमीन पर या उस दुकान पर काबिज है और उसके साथ साथ सेल्फ सर्टिफाइड साइट प्लान भी देगा और फ्लोर वाइज उसका जो कंस्ट्रक्शन प्लान है वो भी साथ में देगा, कितना टोटल एरिया है और कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है ये उसके अपील के साथ लगाएगा। और जो हमारे 8 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बिजली पानी के साथ हमने क्लब कर दिए हैं, 8 डॉक्यूमेंट में से एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो साथ में इनके साथ देगा, जैसे कि पालिका द्वारा जारी आवंटन पत्र की प्रति या संपत्ति स्थानांतरण पत्र की प्रति या वास्तविक आवंटी लेटर या उप किराएदार जो उसने सबलेट किया है उसका कोई समझौता पत्र उसके पास है तो वो दे सकता है या किराए की रसीद जो पालिका की या मूल संपत्ति स्वामी द्वारा जो जारी की गई उस किराए की रसीद दे सकता है वो या मकान को के अधिकार को दुकान मकान के अधिकार को प्राप्त करने कोई भी पालिका का रिकॉर्ड दे सकता है, बिजली का कनेक्शन का बिल या पानी कनेक्शन का बिल या जो संपत्ति है उसको वैधता को प्रमाणित करने के लिए सेल्स टैक्स का बैट का GST का नंबर या आयकर रिटर्न या सॉप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन या फायर NOC इत्यादि इनमें से एक डॉक्यूमेंट उसको कंपल्सरली उसके साथ आप देखेंगे तो उसकी दरें क्या होंगी। दरें जैसा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम लिटिगेशन हो और जिन लोगों को जो लोग काब्ज उनको सही रेट पर ये मिल जाए तो उसके लिए आप देखेंगे 20 बस से अधिक यदि काब्ज है 25 बस से कम है तो कलेक्ट्रेट का 80% उसको देना होगा, यदि 25 से 30 के बीच में 75%, 30 से 35 70%, 35 से 40 65%, 40 से 45 60%, 45 से 50 55% और 50 या उससे अधिक है तो 50%, ये उसकी जो रेट है वो उसको देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ लोगों ने हो सकता है कि एक तल हमने आवंटित किया और एक दो तल अधिक बना लिए हों, उस स्थिति में आप देखेंगे तो हमने स्पष्ट किया हुआ है कि एक ही उसकी फ्लोर है तो बेस रेट देना ही है उसने, यदि उसकी डबल फ्लोर है तो जो भूतल पर है उसको 60% देना, जो प्रथम तल पर उसको 40% देना है और जहाँ 3 मंजिल है वहाँ बेस जो भूमि तल पर है जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसको 50%, प्रथम तल को 30% और द्वितीय तल को 20% उस टोटल राशि का देना होगा। तो 100 मान लो हमारे टोटल राशि है उसकी बेस रेट वही तो उसमें से 50, 30 और 20 इस अनुपात में उसको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन तीनों स्वामित्व स्वामी जो कब्जेदारी बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि मान लो किसी ने पालिका ने कोई आवंटित कर उसके अतिरिक्त उसने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसके लिए उसको प्रति वर्ग 1000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे जो कि उसकी बेस रेट से अलग होंगे, उसके अलग होंगे।
इसके साथ साथ यदि मान लो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ओरिजिनल अलॉटी नहीं था, उसने किसी से लिया और अब 30 दिसंबर 2020 को बैठा हुआ है, काबिज है, तो उसके लिए फिर एक वन टाइम जो उसको हस्तांतरण शुल्क देना पड़ेगा वो 30,000 रुपये का उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो इसमें एक माह का समय दिया हुआ है और उसमें एक प्रथम चरण में 1,000 की एक सीमा तय की गई है जो कि सोमवार को 9 बजे प्रारंभ होगी और वो जैसे 1,000 पूरे हरियाणा में हो जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक उस तरह हर वीक वाइज 1,000 एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाएगा। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि टाइमली उसका समाधान हो पाए। तो इसमें 25% का डिमांड नोटिस 15 दिन के अंदर देगा वो और बाकी शेष राशि 3 महीने के अंदर जमा कराएगा। इसमें एक और प्रावधान किया है कि वो 75% तक का लोन किसी भी बैंक से ले सकता है, मतलब इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसको आसानी होगी। तो जिससे गवर्नमेंट यूएलबी बॉडीज को और जो स्थानीय निकाय हैं उनको एक साथ एक मुफ्त राशि मिल जाए, उनको भी दिक्कत ना हो और एक साथ यूएलबी को राशि मिल जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी कानूनी कार्रवाई तो उसको उसको किसी प्रकार का चैलेंज नहीं करेगा, ये अंडरटेकिंग देनी होगी। और जो लोग इसमें इस स्कीम का फायदा नहीं उठाएंगे उनके किराए का पुनर्मूल्यांकन मार्केट दर के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इस राशि का प्रयोग सरकार के आदेश अनुसार किया जाएगा। और आप देखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया है उसका, आप देखेंगे लिंक है ulbsource.ulbhariana.gov.in। तो हमारी जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ulbhariana.gov.in उसी पर एक लिंक है जो कि इस उस लिंक के माध्यम से ये एक पोर्टल डिफरेंट हमारा खुलेगा और इसमें पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसको उसका एक डैशबोर्ड, खुद एप्लीकेंट का डैशबोर्ड होगा जिसमें कि वो सारी गतिविधि देख सकता है, कितने उसने एप्लीकेशन अप्लाई की, कितना ने उसके एप्लीकेशन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन दी, आपत्ति दी, कितना उसका डिमांड नोटिस है, क्या उसको कोई नोटिस सक्षम अधिकारी मान लो कमिश्नर ने या ईओ ने या सेक्रेटरी ने उसको दिया है, उसका भी एक सिंगल पॉइंट पर वो सारा कुछ देख सकता है। और इसके साथ साथ जो इसकी मेन जो पोर्टल की मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें किसी प्रकार का उसे कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और उसको एक सिंगल पॉइंट पर सब कुछ दिखेगा, कितना उसका डिमांड नोटिस है, कितना उसे जमा कराना है वो देख पाएगा, उसकी जो प्रोसेस हो गई नहीं होगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, पार्शली एक्सेप्ट है, तो वो जो अपलोड होगा ऑर्डर सक्षम अधिकारी का वो भी उसको देख पाएगा। तो आप देखेंगे तो कुल हमारे लगभग अभी जो हमारे डेटा हमारे यूएलबी के माध्यम से डाला है उसमें लगभग 16,000 से अधिक मकान दुकान इस योजना के अंतर्गत फॉल कर रही है। अब हो सकता है फाइनली कितने एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको इनको स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा पोर्टल है सर जिसके माध्यम से लॉग इन किया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई विश्वभर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी ये जो दौर चला है निकला है अभी तक, इसमें पिछले 1.5 वर्ष से जैसे हम कोविड के इस पीरियड में से निकल रहे हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका के प्रति बहुत कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइनर्स के रूप में डॉक्टर्स ही एक प्रकार के बहुत से लोगों की जीवन को बचाने में और उनका योगदान रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज 1 जुलाई की पूर्व संध्या पर सभी डॉक्टर बंधुओं को शुभकामना देता हूं और मानव सेवा में जिस मनोभाव से वो लोग लगे हैं इसी मनोभाव से और भी आगे काम करते रहेंगे ऐसी मेरी आशा है। आज 2 पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत एड्स, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यो कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा
हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में द्विभाषी मोबाइल ऐप है, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर सिटीज़न, गवर्नमेंट टू सिटीज़न ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीज़न के लिए वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियाँ यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियाँ भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई नई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा, जो हरियाणा की दूरभाष जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई एक कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज़ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहाँ जहाँ जिस जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग में ये होता है कि मनुष्य जीवन का, सिटीज़न का कैसे जीवन सरल बनाया जाए, उसकी जो उहापोह होती है वो बहुत सी जानकारियों के अभाव में वो परेशान होता है, तो ऐसी जानकारियों के अभाव में परेशान ना हो तो एक सरल एक ऐप बनाया गया है। और इस नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो अभी बताई गई हैं। एमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें 112 एमरजेंसी कॉल है, 100 पुलिस की कॉल है, 108 एम्बुलेंस की है, 101 फायर की है, 104 हेल्थ की है, 1091 महिला हेल्पलाइन है, 1098 बाल हेल्पलाइन है, 1075 COVID-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइंस जितनी भी हैं फटाफट आप के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे वो मैंने सब बताया है। समाचार के जो रोज़गार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करेंगे। कोई नौजवान है जिसको रोज़गार की आवश्यकता तो रोज़गार मिलेगा, कोई विद्यार्थी है उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जानकारियाँ वो भी इसमें मिलेंगी। तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएँ होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएँ की जाती हैं, उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियाँ वो भी इसमें अपने को सब मिलेंगी। समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी इसमें समय समय पर सब आती रहेंगी। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई एज ग्रुप या कोई कैटेगरी ग्रुप ऐसे से भी उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा तो भेजा जा सकेगा। हम मान लो सरकार की ओर से चाहते हैं कि किसी एक ज़िले को हमने नोटिफाई करना है वो भेज सकेंगे, किसी एज ग्रुप को मानो यंग हैं 15 साल से 25 साल, 15 साल से 35 साल को एक नोटिफिकेशन भेजना वो भेज पाएंगे। हमको बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के लोगों को सूचना देनी है वो हम उसी हिसाब से उन लोगों के जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको नोटिफिकेशन कर पाएंगे। तो एक बहुत सरल तरीका सरकारी सूचनाओं का भी ये रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्येक नागरिक के लिए इस ऐप के माध्यम से उनके दैनिक जीवन को कैसे सरल बनाया जाए इसको ध्यान रखा गया है। और जैसे जैसे इसका उपयोग लोग करेंगे कुछ सुझाव आएंगे, सुझाव भी उसमें इनकॉर्पोरेट हम लोग करते रहेंगे, इसको और सरल बनाएंगे। दूसरा पोर्टल वो है शहरी निकाय, हमारी स्थानीय निकाय, बहुत ऐसे बड़ी संख्या, अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे लगता है ये 25-30,000 भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने ULB की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तयबाजारी पर ली हैं, या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं, तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है, हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी, तो स्वामित्व शहरी कि जिनकी ज़मीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज़ है उस जगह पर तो उसको 50% पर ही आज का रेट जो है
जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा के ऊपर, हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाला, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% उसको छूट मिलेगी, 30% 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी, यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की ज़मीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता हमें हुई है। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले थी उनको भी हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज़ में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। तल के हिसाब से रेट्स तय निर्धारित किए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी को कहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो वो है बेसमेंट वो कहीं रह गया है, उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे। अगर बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है तो उसका भी इसमें कोई प्रावधान करना होगा। एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी, लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें ना आए। प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे, कल से 1 जुलाई से ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे। अब चूंकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो 1 महीना बताया कि अप्लाई करने 1 महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूँ कि हर सप्ताह 1,000 एप्लीकेशन ली जाएंगी, ताकि सप्ताह में अगले उस 1 महीने में उस सप्ताह भर की 1,000 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके। और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा, तो तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा, तो फिर 1,000 के बाद बंद होगा, अर्थात 16 सप्ताह, 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह, 17 सप्ताह ये हमने इसको किया है, क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंड नहीं, इसको स्टेगर, वो क्या, स्टेगर कर दिया है, ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सप्ताह में 1,000 के ऊपर उसको बंद करेंगे, अगले सप्ताह फिर खोलेंगे। तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि तीन महीने, 5 सप्ताह रहते हैं, तो साढ़े तीन महीने ये अगर यही एप्लीकेशन रहती हैं, बढ़ती हैं तो वो 6 महीने तक भी हो सकता है। अभी 16,500 है, लेकिन आंकड़ा अभी वेरीफाई इन्होंने एग्जैक्ट नहीं किया है, सर्वे उसका हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास निकलेगा, 25,000 के आसपास निकलेगा, 16,000 तो मांगी है ना, ये तो हमने तुम्हारे पास डेटा था ना, बॉडीज ने डाला है जो एप्लीकेशन आएंगे, 16,000 का डाटा वेरीफाई हुआ है, हाँ तो अभी और वेरीफाई रहने कुछ है कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम सबको सुविधा देंगे। लिटिगेशन वाला आउट ऑफ द कोर्ट अगर इस योजना से, क्योंकि बहुत सी लिटिगेशन तो है, इसीलिए वो मालिकाना हक लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ स्कीम नहीं थी, इस स्कीम में मान लो वो एंटर होते हैं और उससे लिटिगेशन का उनका मामला सॉल्व होता है, तो आउट ऑफ द कोर्ट हो फैसला हो गया, विड्रॉ करेंगे, खत्म करेंगे। अगर अगर इसको कल से शुरू किया तो साथ साथ आते रहेंगे, अभी तो हर हफ्ते 1,000-1,000 कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट में जाके देखेंगे जिनकी कठिनाइयाँ हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। विवादों का समाधान, ये हमारा एक अंडरलाइन एक फ्रेज जिसको हम नोट करें और इसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। किसी वर्ग का कोई ऐसा विवाद है कि पॉलिसी बनाने के बाद सुलझ सकता है, तो वो पॉलिसी हम बना रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स का और सिटीजन्स का लेना देना, झगड़े, लिटिगेशन बहुत हैं। मैं तो समझता हूँ कि लाखों की संख्या में ये विवाद हमने सुलझा दिए हैं, लाखों की संख्या में अभी और हैं, कि बहुत पुराने चल रहे हैं, कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई 20 साल पहले कोई योजना बनी उस समय शायद
उसको उस ढंग से नहीं लिया गया। कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें से कोई और लाल यानी लाभ मिल सकता है, उसको उन्होंने पालन नहीं किया, या बाद में कोई उनकी कठिनाई आ गई, या कई बार एक मानस भी होता है जनता का कि सरकारी चीज़ है क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब हम उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। हमने सरकारी विभागों को सबको कह दिया कि अब ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई डिपार्टमेंट कोई चीज़ देने की बजाय बैंकों की सुविधा प्रदान कराए। कोई चीज़ देनी है इंस्टॉलमेंट पर तो बैंक से वो लोन ले, पैसा सरकार को मिल जाए, वो जो किस्तें हैं बैंक को वो देते रहे, क्योंकि सरकार का काम फाइनेंशियल लेने देने का नहीं होता है, फाइनेंशियल लेने देने का काम बैंकों का होता है। सरकार ने तो सुविधा बनाई, जनता को सौंप दी, आगे बढ़ गए। तो इसलिए हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ बनाएंगे। तो आवेदन करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ दस्तावेज लेनी है ये आपको सब बता दिए हैं। एक महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन, उस सब को ऑब्जेक्शन के बाद अगले एक महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा। जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब 25% राशि जमा कराइए। तो 25% 15 दिन में उनको जमा करानी होगी, और उस 15 दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी 75% बैंक निश्चित हो चुकी है, बैंक उनको लोन देगा 75%। पर वीक एक, मैं बता रहा हूँ, पर वीक 1000 लेके उस एक सप्ताह के बाद एक महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन भी मांगेंगे और उसकी सारी प्रोसेस भी चालू करेंगे। एक महीने के अंदर जिनके ऑब्जेक्शन आ जाएंगे उस ऑब्जेक्शन के आने के और एक महीना, जिस दिन भी मानो 8वें दिन ही अप्लाई किया 9वें दिन ऑब्जेक्शन आ गया, तो 9वें दिन ऑब्जेक्शन आने के एक महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन को यानी सुना जाएगा। नहीं नहीं, सारे नहीं कराएंगे ना, 1000 के बाद उसको बंद कर देंगे शेष टाइम के लिए। हाँ नहीं, बंद कर देंगे एक दिन नहीं, एक सप्ताह के लिए 1000, हर सोमवार फिर खोलेंगे। हाँ बस बाकी 5 दिन बंद रहेगा, फिर सोमवार खुलेगा। मैंने बताया 16000 है, 16 सप्ताह तो हो ही गए। अगर ये 25000 है तो 25 सप्ताह हो गए। 25 सप्ताह के बाद अगला जो रूटीन का एक महीना, फिर ऑब्जेक्शन का एक महीना, फिर 15 दिन से पैसे लेना, 2-2.5 महीने वो लगेंगे। तो कुल मिला के 5-6 महीने में स्टैगर हो गया सारा। उसको देखिए, अब इसका कोई एकदम नहीं कह सकते कि किस प्रॉपर्टी का पैसा कितना, एरिया कितना पैसा, वो अलग अलग है। लेकिन अब मैं मोटे रूप से बता सकता हूँ कि मान लो अगर 20000 एप्लीकेशन हो और 1,00,000 रुपया एक प्रॉपर्टी का आए तो 200 करोड़ बनता है, कैलकुलेशन है। अब किसी का 2,00,000 आया कितना आएगा वो डिपेंड्स, यानी ये 1,000 करोड़ तक भी जा सकता है। हाँ जी, 15 दिन में जब हम यहाँ से नोटिस भेजेंगे उसके 15 दिन में। नहीं नहीं भरता तो कैंसिल, वो तो उसका वो तो बैठा ही है, वो तो इसका मतलब उसका लाभ नहीं लेना चाहता वो। अगर पैसा नहीं भरेगा तो कोई जुर्माना नहीं है, ये तो एक पॉलिसी है म्यूचुअल कंसीडरेशन की। हमने एक ऑफर दी है, उसने मान ली है, पैसा हमें देगा, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, नहीं तो जैसे पहले चल रहा चलता रहेगा। फिर हर साल किराया बदलेगा तो नया किराया देगा, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये तो एक सुविधा दी है लोगों को। लोग चाहते हैं, अभी तक ये पॉलिसी थी नहीं, अभी तो ये था कि या तो पैसा देता रहे या खाली कर जाए, बेचने की कोई सुविधा नहीं थी। तो पहली बार पोर्टल पे उसको डाल दिया, बिल्कुल संपत्ति का वो डीसी के, डीसी का जो पोर्टल है हर जिले का उसके ऊपर डाला हुआ है। नहीं, वो तो जो संपत्ति वो लोड करेंगे वो संपत्ति के हिसाब से वहाँ से चेकअप किया जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। मैं थोड़ा पूरा कर लो, बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे, आप रख लो अपने जिम्मे, अपने पास लिख लो प्रश्न। मैं जरा और भी है विषय। तो कुल मिलाकर के कितने सालों में कितना परसेंटेज वो मैंने बता दिया, और बेस और जो फ्लोर के हिसाब से भी सब आपको बता दिया है। इसमें अगर अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी 1000 रुपये फाइन है, फाइन है। नहीं नहीं, एडिशनल है, लेकिन उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी। लेकिन अगर जितनी दी थी, मान लो 100 गज की दुकान दी थी, उसने 25 गज और कर ली और 25 गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया,
तो 25 गज भी उसी रेट पर जो आज का रेट उस पर देंगे प्लस 1000 रुपया और जुर्माना, तो उसने एनक्रोचमेंट की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है, लोगों की आने जाने का रास्ता है, आपने इसको किया उसको तोड़ दो, तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर निर्भर था। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है। और किसी ने अगर ट्रांसफर नहीं कराया, मान लो एक व्यक्ति ने लीज पर ली थी, उसको बाद में दूसरे ने ले ली, उसी के नाम चलती आ रही रिकॉर्ड में, आज अगर दूसरा कोई बैठा है तो वो ट्रांसफर कराने के 30,000 रुपया देगा, ट्रांसफर करा लेगा, रेट वहीं से माना जाएगा जो ओरिजिनल पहली अलॉटमेंट जिसको हुई थी। तो मोटे रूप से ये है। एक पीछे हमने पॉलिसी बनाई थी, उसको भी मैं मात्र दोहरा रहा हूँ अर्बन लोकल बॉडीज की, कि जो रेवेन्यू के रास्ते बीच बीच में शहरों के अंदर आ गए थे, क्योंकि बहुत गांव जो हैं वो शामिल किए गए, उनके रेवेन्यू के रास्ते थे वो शहरी रास्ते बन गए, या शहरी प्रॉपर्टी पहले किसी रूप से पड़ी थी, आज वो प्राइवेट आदमियों को उसके बीच में घिरी हुई है, लंबी पट्टी है, प्राइवेट आदमी को जमीन खरीद के और उसका लाइसेंस लेना चाहते तो उनको जगह की जरूरत पड़ेगी, या कोई रास्ता मान लो भीड़ा है तो रास्ते को चौड़ा करना तो उसको ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक 2017 में एक्सचेंज पॉलिसी बनाई थी, लैंड एक्सचेंज पॉलिसी, कि उतनी ही लैंड वो हमको दे दे, उतनी लैंड हम उसको बदले में देते हैं। शिकायतें मिलने लगी कि इसमें कम रेट की, ज़्यादा रेट की, कोई कम रेट की वो रह गई, कोई ज़्यादा वो रह गई, मिलीभगत करके बराबर रेट दिखा दिया, बाद में शिकायतें मिलती रही। हमने एक्सचेंज का पॉलिसी एक प्रकार से समाप्त कर दी। अब उसको परचेज सेल पर के अर्बन लोकल बॉडीज़ की कोई ज़मीन अगर लेना चाहता है तो उसका मूल्यांकन, एक वैल्यूएशन कराई जाएगी, उसका एक सिस्टम बना दिया है, और वो जो वैल्यूअर्स होते हैं बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, उन वैल्यूअर्स का एक पैनल वो बनेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएगा, उनमें से कोई भी दो वैल्यूअर वो छांट सकते हैं, खरीदने वाला भी और कॉरपोरेशन भी, वहाँ मिल करके दो वैल्यूअर छांटेंगे, वो दो वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन करेंगे, अगर वो वैल्यू आसपास आ गई तो उसमें क्या लोएस्ट या हाईएस्ट क्या रखा है, दोनों का अगर आ गया मीडियम नहीं सर, उसका अभी एलिबरेट किया नहीं है। ठीक है, एक ये जरा इसको भी ध्यान रखें कि या तो हम लोअर रखें या हायर रखें या मीडियम रखें, और अगर अंतर ज्यादा आएगा तो फिर दोनों की सहमति से तीसरा वैल्यूअर आएगा, उस दोनों की वैल्यूएशन का डिपार्टमेंट कर रहा है, उसका एक अंतर रख सकते हैं से 5% कि दोनों का अंतर 5% अगर आता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दोनों करेंगे, तो उसमें से उसका मीडियन लिया जा सकता है, और अगर ज़्यादा अंतर आता है तो थर्ड वैल्यूअर एक और ला करके उसकी वैल्यूएशन कराई जा सकती है, फिर जो भी सिस्टम बनाएंगे उस रेट पर खरीदने वाला पैसा जमा करा के और वो ले सकता है, और ये पैसा चाहे वो है और चाहे इससे आएगा इस योजना से, ये सारा हर एक म्यूनसिपल बॉडी का अलग एक अकाउंट में रखा जाएगा। इस पैसे से केवल वो जमीन खरीद सकते हैं या कोई परमानेंट एसेट बना सकते हैं। इसको प्लान्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, तनख्वाहें हैं, बिजली बिल है, ये वो खर्च नहीं कर सकते, वो अगर किसी को करना होगा तो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट करेंगे। मान लो किसी कठाई ऐसी आई, कोई कंटेंजेंसी ऐसा विषय आ गया प्लान में, कोई उनको खर्चा अचानक एमरजेंसी आ गई, तो फिर वो अप्लाई करके गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उसको खर्च करेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये जो राजस्व रास्तों की ये पॉलिसी भी हमने बना दी है ताकि रास्ते आसान हो जाए, वरना ये बहुत बड़ी कठिनाई आती थी। अभी पिछले दिनों में कोविड का जैसे थोड़ा सा राहत हमको मिली, तो विचार ये आया कि बहुत से विभागों के काम केंद्र सरकार के विभागों के साथ हमारे कई महीनों से वो स्टैंड स्टिल थे, जो चीज़ें चलनी थी वो नहीं चल पा रही थी। तो मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गया था, चार मंत्रियों को पिछली बार मिल के आया था, संयोग से दो दिन ने थोड़ा इस हुआ पो में हमें भी किसी ने सलाह दे दी कि आप जाके ज़रा मनाली में रहो। अब हमारा मन है जैसा है मनाली में, हमको पता लगा कि नितिन गडकरी आए हुए, मैंने कहा जी एक सरकारी काम है करवा दो, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने अपने अधिकारी बुला लिए, हमने भी बुला लिए, तो एक मीटिंग वहाँ करके और लगभग 6,500 करोड़ रुपए की एक योजनाएं जो हमारी कुछ पेंडिंग पड़ी थी उन्होंने स्वीकृति दी है। 8-10 छोटे छोटे विषय थे, कहीं फ्लाईओवर था, कहीं साइड में कहीं अंडरपास था, कहीं साइड स्लिप रोड थी, कहीं ऐसे कुछ नई रोड्स भी हैं। एक सबसे बड़ी जो नई रोड की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से हमें मिली है वो पानीपत से डब वाली। अभी तक जितने भी हाईवे नेशनल हाईवेज हैं वो सामान्यतः नॉर्थ साउथ हैं, लेकिन ईस्ट वेस्ट एक हाईवे अभी एक है दिल्ली, लेकिन एक और इस नॉर्थ हरियाणा से और साउथ हरियाणा को यानी वेस्ट हरियाणा को मिले
तो पानीपत से और डब वाली के साथ राजस्थान पंजाब लग जाता है, इधर पानीपत उत्तर प्रदेश लग जाता है, तो एक प्रकार से उस हाईवे की उपयोगिता काफ़ी लगी है, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से ये सारे विषय उनके साथ हमने किए हैं। और इसके बाद फिर मेरा दिल्ली कल जाना हुआ, तो उसमें भी जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनके साथ कृष्णा सर्किट पार्ट 2 97 करोड़, हेरिटेज सर्किट 99 करोड़, इसका प्रोजेक्ट सबमिट हम करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों ये सैद्धांतिक रूप से मंजूर उन्होंने कर लिए हैं। ज्योति सर का जो हमारा बहुत महाभारत का जो तालमेल करके और 18 अध्याय और उसमें 134 स्थान हैं, उनका सबका महत्व दिखाते हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ने बनाई, वो देख करके पसंद हुए। उनका इसका भी जो खर्च है वो बिल्डिंग का खर्च उन्होंने पहले दिया है, लेकिन उसमें आईटी से जुड़े हुए जो कोई टेक्निकल सारे उसमें इश्यूज हैं वो 150 करोड़ रुपये का खर्च है, उसमें भी उनका कुछ शेयर वो करेंगे। और बल्कि उन्होंने तो खुश होकर कहा कि इसको हम प्रधानमंत्री जी को दिखाएंगे, कैबिनेट को दिखाएंगे और उसमें उसका योगदान उनका वो करवाएंगे। प्रसाद स्कीम है, उसमें हमने 52 करोड़ का पहले प्रोजेक्ट एक पास कराया हुआ है, 70% यूसी देने के बाद और पैसा मिल जाएगा, ये चलता हुआ काम है। फिर हमने अभी जो 20 जून को जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और वो सारा किया है, वेलनेस सेंटर्स वगैरह, उस प्रोजेक्ट का भी हम बना करके उनको भेजेंगे, तो उस पर भी वो हमें उसका जितना योगदान करना चाहें करेंगे। कालेश्वर से, कालका से कालेश्वर एक साइकिल ट्रैक, बाइक ट्रैक, ये ट्रैक बनाए जाएंगे जिसमें बाइकिंग और साइकिलिंग उसका कोई अरेंजमेंट करेंगे, या तो अलग अलग दिन रखेंगे या दो ट्रैक करेंगे, ताकि एक बार साइकिल का एक और बाइक का ऑर्गेनाइज्ड ये जो चलेंगे व्हीकल्स बाइकिंग स्कीम, इसका भी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। आदि बद्री और वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम, इसके एक मीटिंग 8 जुलाई को उन्होंने बुला ली है, यहाँ से हम अधिकारी को भेजेंगे। राखीगढ़ी और दिल्ली, उसका भी एक साइकिल ट्रैक, क्योंकि विदेशी लोगों की राखीगढ़ी बहुत पसंद बना है और विदेशी लोग चाहते हैं कि अपने छोटे वाहन लेके जाएं, साइकिल लेके जाएं, तो ऐसा एक रास्ता थोरोफेयर ये करवाया जाएगा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं हमारे, दो हमारे प्लॉट हैं ऐसे गुरुग्राम में, एक IDPL फैक्ट्री केंद्र की थी, बंद हो चुकी है, 90 एकड़ ज़मीन पड़ी है, ऐसे HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, वो भी फैक्ट्री लगी नहीं शुरू में, उन्होंने ज़मीन तो ले ली लेकिन वो शुरू नहीं हुआ। ये बिल्कुल MBS के सामने का बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है, वो लगभग 52 एकड़ का वो है, तो ऐसे 142 एकड़ ज़मीन उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर कह दिया कि हम हरियाणा को ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट या कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल जैसा भी। हमारे जो सचिव स्तर की बैठक एक जल्दी होगी, उसमें से कोई ना कोई फाइनल करके, जैसे हमने HMT की लैंड ले ली है, उनसे पैसा दे के ली है, ऐसा ही पैसा दे के ये दोनों लैंड हम ले लेंगे, तो इसका भी सैद्धांतिक सहमति ये बन गई कि वो हरियाणा को लैंड देंगे और पैसा हम उनको देंगे। हमारे जो शहरी विकास मंत्री श्री HS पुरी, उनके साथ मेन रूप से जो गुड़गांव की मेट्रो है और फिर रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट में दिल्ली गुड़गांव और राजस्थान बॉर्डर तक 106 किलोमीटर की लाइन है, उसमें दिल्ली का पोर्शन जो है उसमें थोड़ी अड़चन उनको आई हुई, अड़चन क्या दिल्ली सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन किया होगा, तो उतना ही रह गया, हमने हरियाणा की ओर से सब क्लियर कर दिया। तो मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला के उसको क्लियर करेंगे और सारा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देंगे। एक इसी प्रकार का RRTS दिल्ली पानीपत पहले मंजूर हुआ हुआ है, उसे मैंने पिछली बार करनाल तक बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, उसको उन्होंने मान लिया है, तो उसका DPR भी बनना शुरू हो गया है, अक्टूबर तक वो बन करके तैयार हो जाएगा, फिर ये दिल्ली पानीपत की बजाय दिल्ली करनाल RRTS कहलाएगी और दिल्ली करनाल का काम अक्टूबर के बाद ही शुरू करेंगे। यमुना में NCR प्लानिंग बोर्ड ने कोई एक नोटिशन निकाल दिया था कि जो NCR एरिया है उसमें यमुना के अंदर माइनिंग नहीं होगी, अब वो गलती से लगा या किसी अफसर को ध्यान में नहीं आया, केवल माइनिंग का विरोध है कि माइनिंग वास्ते में पहाड़ की माइनिंग ना हो, ये तो मैं समझ में आता है, लेकिन नदी के अंदर माइनिंग नहीं होगी तो नदी तो फिर माइनिंग भर जाएगी, ओवर फ्लो करके बाढ़ आएगी। जब विषय उनको बताया गया तो सहमति उन्होंने दे दी कि हाँ ये गलती हुई है कहीं ना कहीं, तो यमुना के अंदर जितनी माइनिंग आवश्यक है क्योंकि ये आएगा, और अगर उसमें से निकालेंगे नहीं, एक्सकेवेट नहीं करेंगे तो पानी ऊपर चलेगा तो ओवर फ्लो करेगा सारा दिल्ली और आसपास के इन जिलों में, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, अपना पलवल और फरीदाबाद, ये 5 जिले हैं उसमें। उन्होंने कहा कि नहीं, सैद्धांतिक रूप से नई बात मान ली, उसका नोटिफिकेशन करा देंगे कि जो EC की एनवायरमेंट क्लियरेंस जो होता है उसकी जो कंडीशंस रहती हैं उसको मानते हुए और ये 3 मीटर तक खुदाई माइनिंग की हो सकेगी,
इसकी आवश्यक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये भी उन्होंने मान लिया है। मोटे रूप से केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही हमारी जो बातचीत हुई है उसका ब्यौरा एक सप्ताह का या अगर 10 दिन का जो है वो आपके सामने इसलिए रखा कि आप लोगों के मानस में कुछ और बातें घूम जाती हैं कि दिल्ली गए नहीं और आपने उल्टा पलटी की नहीं पलटी करने की आवश्यकता नहीं, हम ठीक चल रहे हैं, ऐसे ही चलेंगे। हाँ, दिल्ली हमारी चौके बिल्कुल, हरियाणा तो तीन तरफ दिल्ली को हरियाणा घेरता है, हमारे 8-10 जिले, बल्कि NCR में तो 13 आ गए हैं, लेकिन 13 में कुछ तो दूर हैं, लेकिन 8 जिले तो ऐसे हैं जो दिल्ली से ही बैठ करके हम अपना सारा काम कर सकते हैं, पार्टी का सरकार का सब वहाँ होते हैं, इसलिए उसको इतना गंभीरता से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। दिल्ली जाने को नहीं, हर बार मेरा कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रियों को मिलने का ही रहता है। गजेंद्र हाँ, वो मिले थे पिछले बार में गया, हमें वो मिल के आया था, उसमें जैसे पिछली बार वन मंत्री को मिल के आया था, हमारे पीयूष गोयल रेल मंत्री को मिला था, गजेंद्र शेखावत जी को मिला था, तो ऐसे सब मंत्री, 4 मंत्री पिछली बार मिले थे, अभी 3 मंत्री कल मैं मिल के आया हूँ नितिन गडकरी, तो 8-9 मंत्रियों से मेरा अलग अलग विभागों के विषयों को लेकर के मिलना हुआ है। मैं तो बता दिया कि मेरे दिल्ली जाने को इतना आप लोग, मैं तो उतना ही दो जितना आवश्यक है, बिना दिल्ली जाए भी हो सकता है। एक विषय जो मैंने आपके सामने रखना है वो ये वाला विषय चल रहा है, इसमें वैसे तो मैं बहुत बार अपील कर चुका हूँ आपके माध्यम से, अब चूंकि लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए हैं, और 7 महीने में ये अंडरस्टैंडिंग आम जनता की तो बन गई है कि अगर कुछ होना होता, कुछ आगे बढ़ना होता तो बढ़ गया होता। हम लोग अपने किसानों के जो बिल बनाए गए हैं, कानून बने हैं, उनकी जितनी भी सार्थकता है, उनके जो विशेषताएं हैं, वो सब हमने जनता को बताई हैं, बार बार बता रहे हैं, और वो इसमें कमियाँ क्या हैं वो बताए बिना एक ही जो रट लगाए हैं कि नहीं कुछ भी हो बनाला उथे दा उथे, एक जो ज़िद है वो पकड़ के बैठे हैं। ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए, खुल करके बात करना है, तो कल भी 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो खुल करके बात करें, लेकिन इस कंडीशन के साथ आएँ कि नील वापस करोगे तो हम आते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस प्रकार का लाभ नहीं है। और फिर एक जो मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूँ वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है, किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता हैं उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है, लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुँह खोलने लगे हैं, यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है इसकी मैं निंदा करता हूँ। यानी हम संयम बरते हुए हैं, वो हमेशा क्या कहेंगे कि मंत्री नहीं जा सकता, ये MLA नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना, और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है ये। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छींटाकशी करते हैं, हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आखिर ले देकर तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं, जब हमारे अपने लोग हैं कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जब सीमा से आगे बढ़े तो हमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांति हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगी, और उस FIR के बाद कोर्ट के जो नोटिस आएंगे वो भी उनको जाएंगे, कोर्ट अपना काम वो भी करेगा, इसलिए एक सीमा तक तो संयम बरतना भी अच्छा लगता है। आखिर की कितनी घटनाएं पिछले राज्यों में
2014 से पहले किस सरकार के किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना नहीं हुई किसानों के साथ? क्या क्या कांड नहीं हुए? कहीं मंडियाली कांड है तो कहीं कंडेला कांड है तो कहीं कितने ही हैं गिनोगे तो। लेकिन हम संयम इसलिए बताते हैं कि नहीं, आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए, और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी जो इनके कामों से हो रही है तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। हम तो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं हरियाणा में, कितनी बार मैं गिना चुका हूं। यानी सबसे बड़ा इनका विषय है कि केंद्र सरकार केवल दो ही चीजों की प्रोक्योरमेंट करती है, धान और गेहूं। हम 10 फसलों की प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट में तो इस बार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा ये लॉस हो रहा है हमको। फिर हम मूंग करते हैं, मूंगफली करते हैं, मक्का करते हैं, कपास करते हैं, इस बार तो जौ और तिल भी शुरू किए हमने, चना करते हैं, उन दो फसलों के अलावा बता रहा हूं मैं, सूरजमुखी करते हैं। तो फसलें हालांकि भले क्वांटिटी की कम होती है लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिन फसलों की आवश्यकता है, दालें हैं, तिलन है, जितना बोएंगे हम सब उठाएंगे, और उसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है किसान को। सरसों इस बार जो प्रोक्योरमेंट रेट है उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा मिली है, और बल्कि सरसों जिन्होंने खरीदी उनको टैक्स भरना पड़ा तो किसान कहता है कि मैं वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 रुपया ज़्यादा मिलेगा। जब हमने कहा कि वहाँ टैक्स तो आपको वहाँ भी देना पड़ेगा, क्यों अभी कानून पुराने हैं, नए कानून लागू होते ही वो टैक्स खत्म हो जाएगा, और टैक्स खत्म होगा तो 5 रुपया क्विंटल किसान को ही ज़्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली अगर पुराने कानून लगे रहेंगे तो 5 रुपये का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की है। और अगर ये टैक्स हट जाए, नए कानून लागू हो जाए, तो 500 रुपया किसान को ज़्यादा मिलता है, केवल सरसों में नहीं, कोई भी फसल बार बेचेंगे तो। ना मंडी फीस लगेगी, ना HRDF लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये पुराने कानून, हमें इस कारण से पुराने जो एक बार कानून नए बन रहे हैं, हमने जो MSP आइटम्स मंडी के अंदर जो हम खरीदते नहीं हैं, MSP नहीं है उनका, 4% किया था किसका? बासमती का। अल्टीमेटली जब कानून नए लागू नहीं हुए तो वापस हमको 4% करना पड़ा, क्योंकि वो पुराने कानून के साथ 4% ही है। वो अल्टीमेटली नुकसान तो या तो किसान का, व्यापारी का, किसी का तो हो ही रहा है। तो इसलिए मैं यानी इन शब्दों में आर्थिक दृष्टि से समझाना चाहता हूँ कि पुराने नियमों का कितना नुकसान है और नए नियमों का कितना लाभ है। गडकरी साहब ने एतराज जताया कि ये टॉल जो है चालू कराओ, खुले कराओ। हमने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। वो संज्ञान लेंगे। हमने हमारे जो HSIDC के थे 3 टॉल KMP के, उन्होंने चालू करा दिए। हरियाणा के 3 टॉल थे, उन्होंने चालू करा दिए। अब ये मैंने बताया कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो वास्तव में किसान नहीं है। वास्तव में जो किसान हैं वो इन नियमों से, इन कानूनों से कोई एतराज नहीं उसको। ये केवल राजनीतिक तौर के ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ाए हुए हैं। पंजाब के अंदर चौधरी लगी है, हमारे यहाँ तो कोई चुनाव वनाव है नहीं, लेकिन केवल जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक एंगल से सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी इनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ और जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली हमको इस नैया के ऊपर बैठ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जितने मुट्ठी भर लोग हैं अभी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अब कोई हमसे पूछ सकता है अगर मुट्ठी भर हैं तो फिर आप उनका मुकाबला कार्यक्रमों के माध्यम से क्यों नहीं करते? भले मुट्ठी भर हैं तो भी अपने हैं, तो भी हमसे टकराव नहीं चाहते। नहीं नहीं लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको चेक किया तो उन्होंने आखिर में जींद में लिख करके दे दिया टोहाना में कि हम जो है कानून में हाथ में नहीं लेंगे। और जब कानून हाथ में लेने की कोई बात करता तो उसका ये अच्छी बात है कि वो निंदा भी खुद करते हैं। नहीं नहीं सब वो लिख के दिया, वो तो मीडिया में छपा है, बात हुई कि नहीं तो उन्हीं के साइन है, दो आदमियों के साइन उन्हीं की ओर से हैं, ये आप देख लीजिए उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है। तो इसके लिए मैंने बताया कि हम अभी पंचायतें जो कर रही हैं उनसे बातचीत, उनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने एक रास्ता खोलने की बात कही है, और मुझे लगता है कि अब खुल जाना चाहिए रास्ता बहुत जल्दी।
अब वो उस रास्ते को बंद रखने के लिए कोई ताकत भी नहीं बची है उनके, खुल जाएंगे जल्दी। टकराव ना हो बस, यही संयम है। जिस दिन टकराव होने लगा संयम भी टूटेगा। मैंने रविशंकर जी, हमारे जो जयशंकर जी विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की थी। इस बार मुझे मिलना था, वो विदेश गए हुए हैं। बाद में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी, उनसे मेरी बात हुई है। वो अभी दो दिन बाद आपस में मिलने वाले हैं। गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया हुआ है। अपने हाई कमीशन में बात उन्होंने की है कि हाई कमीशन उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ इशू को टेकअप करे, और टेकअप करने के बाद जो वहाँ के कानून के हिसाब से अगर कहीं किसी ने दोष किया है तो उसका भी फैसला कर दें। अब कोई दोष ऐसा तो कुछ है नहीं। आपस में दो वर्गों का टकराने के बाद विशाल जूड ने तिरंगा झंडा उठा करके उनका विरोध कर दिया। इतना ही एक दोष विशाल जूड का है कि उसका उस समय वीजा समाप्त हो चुका था। तो वीजा समाप्त हो चुका था तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। उस घटना में दोष नहीं है कोई विशाल जूड का। क्या विषय है जरा जानकारी सारी आएगी तो उसको भी देखिए। हम हर NRI का सहयोग करेंगे जो हमारे हरियाणा का है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आएगी तो उसकी उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। किसानों की मैं बातें बता रहा था। 7 फसलें ऐसी हैं, प्रोक्योरमेंट जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन 7 फसलों पर हम प्रति क्विंटल बीज की जो सब्सिडी है वो हम देते हैं। गेहूं, धान, जौ, सरसों, तोरिया, चना व दालें और बाजरा, इन सब पर 1,000 रुपये से लेकर के और 4,000 रुपये तक प्रति क्विंटल ये हम सब्सिडी देते हैं बीज के ऊपर। ये हमारा जो बीज विकास निगम है वो सब देता है। किसान जो कृषि यंत्र खरीदता है उसके ऊपर भी 50% से लेकर के 80% तक सब्सिडी दी जाती है। यूरिया पर 70% सब्सिडी है। डेयरी स्थापित करने के लिए दुधारू पशुओं पर भी बैंकों से ब्याज मुक्त उनको ऋण मिलता है। 3 पशुओं की डेयरी, सुअर पालन, भेड़ बकरी आदि इकाइयाँ अगर स्थापित करते हैं तो उसके लिए 50% अनुदान ये भी मिलता है। कृषि कार्यों के लिए 3,00,000 रुपये तक का कर्ज बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाता है। भूमिगत पाइपलाइन पर 10,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपये प्रति किसान ये अनुदान राशि भी हम देते हैं। बैटरी 40 स्प्रे पंप पर 50% की सब्सिडी ये दी जाती है। बिजली का तो आपको पता ही है कि मात्र 10% जो हमारा 4.5 रुपये से 5.5 रुपये तक खर्च आता है अलग अलग प्रकार की बिजली का, एवरेज हम 5 रुपये भी लगा लें तो किसान को केवल 10 पैसे यूनिट में दी जाती है। 6,200 करोड़ रुपया हर वर्ष का ये सब्सिडी दी जाती है। हॉर्टिकल्चर आम, अमरूद, स्ट्रिप्स, सिट्रस आदि फलों पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। सोलर पंप के लिए 75% का अनुदान ये सरकार देती है। फसलें खराब होने पर जैसा मुआवजा है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो प्रीमियम उनका होता है, वो तो देते हैं, उसका आधा प्रीमियम सरकार देती है। लेकिन अगर नहीं भी कराया तो 12,000 रुपया प्रति एकड़ ये सरकार की ओर से दिया जाता है। मशरूम की खेती पर 40%, हाइब्रिड सब्जी पर 50%, वर्टिकल खेती पर 65%, मधुमक्खी पालन और उनके बक्से खरीदने पर 75% से 85%। और सबसे अधिक एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति परिवार 3 किस्तों में ये 3 किस्तें 4-4 माह की, ये 19,00,000 परिवार हरियाणा के जिनको ये पैसा आता है। तो अगर ये हिसाब लगाया जाए तो कई 1,000 करोड़ ये किसानों के नाम से सब्सिडीज जाती हैं। प्रधानमंत्री का जो किसान सम्मान निधि है उसका सब मिला लें तो कई 1,000 करोड़ पर बैठता है। आज भी हरियाणा का किसान, मैं कहता हूँ पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा सहयोग हरियाणा सरकार करती है अगर ये सारे हिसाब लगाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन विषयों को आपके माध्यम से मैं सारी जनता को भी, किसानों को भी बताना चाहता हूँ। किसान हमारा अन्नदाता है और इस किसान, क्योंकि बड़ा वर्ग किसानों का है हरियाणा में, उनकी स्थिति ये हम सुधारना चाहते हैं। तो कोई भी जो गरीब परिवार है उन सबको हमने उसको उसका जो डाटा है वो लेकर के ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। उसमें मेरा ये परिवार पहचान पत्र नाम से हमने जो घोषणा की कि हर एक परिवार की इनकम कितनी है इसका हम वेरीफाई करा रहे हैं। वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है, कोविड के कारण से थोड़ा लेट हुआ था, अभी फिर वो ठीक स्पीड पकड़ गया है। और अब उसकी पहली जो एक जिसको डेटा की एक
किस्त कहनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट कहनी चाहिए, 50,000 रुपए तक जिन परिवारों की अभी तक हम पहचान कर पाए हैं, जो एक बन अभी तक जो आंकड़ा आया है 30,000 परिवारों का आंकड़ा लगभग ये हमारे पास आ चुका है, जिनकी आय वास्तव में 50,000 रुपए साल से कम है, यानी 4,000 रुपए महीना सिर्फ, ऐसे परिवारों का हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने जिम्मा लिया है कि इन सब परिवारों की आय पहले खेप में 1,00,000 रुपया और फिर उसके बाद 1,80,000 रुपया ये हम करेंगे साल भर के अंदर अंदर। इनको कल से इन परिवारों को सूची दे दी जाएगी, इन सब का वो इंटरव्यू करेंगे सभी डिपार्टमेंट, वो कॉमन एक प्लेटफॉर्म बनेगा, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक आदमी उसमें रहेगा और सब 35,000 का इंटरव्यू किया जाएगा कि वो क्या काम करना चाहते हैं। कल से शुरू करके और इसको 15 दिन का, ये जिला वाइज सूचियाँ मिलेंगी उनको सबको, 15 दिन का उनको समय दिया जाएगा। हमने भी 15 दिन सोचा है, मान लो डिले होगा तो और आगे 15 दिन स्टैंड करेंगे, लेकिन एक महीने के बाद उनके प्रॉपर काम, जिस किसी को पशु पालना है पशु उसको दिया जाएगा, किसी को छोटा कोई MSME का कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना है तो वो लगाएगा, किसी को गाय भैंस बांधनी है उसके लिए पैसा दिया जाएगा, किसी को लोन लेकर के कोई छोटी मोटी दुकानदारी करनी है वो दिया जाएगा, किसी को वाड़नी है वो उसको दिया जाएगा, मजदूरी करने वालों को जो ठेकेदार हैं उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, उनको कह करके हम उन लोगों के ठेके की जो मिनिमम की होती है वेजेस उसको उस पर भी करेंगे तो भी 1,00,000 रुपए से ऊपर परिवार को मिल जाता है। ये मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, तो उस पर मेरा अभी बताने का अर्थ यह है, योजना तो पहले हमने बना ली, देखना अब कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा। 30,000 परिवारों की एक सूची ये कल आएगी, वो फिर अपने सिस्टम से आगे हर एक जिले में जा जाके उनके सबके इंटरव्यू करेंगे। 50,000 क्या होता है, BPL तो हमने 1,80,000 तक माना है, ये तो BPL से भी BPL है, सबसे गरीब, इसलिए हमने इसको इस ढंग से योजना बनाई है कि लोएस्ट इनकम ग्रुप हमको पहले पहचान करनी है। हम एक पैरामीटर तो मान लेते हैं भाई 1,80,000, अब 1,80,000 तक कितने निकलेंगे, लेकिन 1,80,000 वाला भी अपने घर परिवार को चला रहा है, 1,80,000 का मतलब होता है 15,000 रुपये महीना, लेकिन जो बिल्कुल ही 2,000-5,000 पर बैठे उनकी चिंता तो हमको पहले करनी पड़ेगी। तो इसलिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अगली सूची आती जाएगी। पहले साल में हम 1,00,000 परिवारों की हमने टारगेट रखा है, अभी 30,000 की लिस्ट कल जारी करेंगे, इसके बाद फिर बाकी जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद जारी करेंगे। तो मोटे रूप से मुझे आज आपके सामने ये विषय सब रखने थे, विषय काफ़ी आया है। देखिए उन्होंने ही कहा था कि हम 15 दिन बाद आएंगे और मुझे लगता है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन अभी हुए नहीं है, जिस दिन 15 दिन बाद आएगा मैं उनको समय दूंगा, ये उनका काम है, समय लेंगे तो मैं दूंगा। बल्कि कल चरखी दादरी से एक एडवोकेट ने कहा है कि मैं किसानों का वहाँ कार्यक्रम कराऊंगा और वो जिस दिन मेरे से समय मांगेंगे मैं वो समय दूंगा। अभी कोर्ट में भी केस है लेकिन कोविड के कारण से ही ये विषय रुका हुआ है, कोविड का मामला अगर मान लो थर्ड वेव नहीं आती है और ये इस मामला रूटीन में ठीक हो जाता है तो आने वाले कुछ महीनों में इसका निर्णय लेंगे। देखिए जहाँ तक मीटिंग का विषय है, ये केंद्रीय हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने ही इसके इनिशिएटिव लेकर के उनसे बात करनी है, वो बात करेंगे, डेट कोई तय होगी तो मीटिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं बात करूंगा तो वो कोई मीटिंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को ही बैठाना है। उन्होंने ही कहा था कि मैं बात करता हूँ, एक मीटिंग आपके कराता हूँ, एक एक नहीं, अगर चुंगियों वाली प्रॉपर्टी जगह अगर पड़ी है तो वो पंचायतों की या नगर पालिकाओं की है, जहाँ वो थी तो नगर पालिका उसको जैसा उपयोग करेगी। देखिये हमने स्वायत्तता दी है इन विभागों को, पंचायती राज एक्ट जो बना था उसमें लोकल बॉडीज को स्वायत्तता दी जाए, तो जो प्रॉपर्टी उनकी है वो उनके पास रहेगी, उनसे अगर प्रदेश सरकार लेती है तो पैसा दे के लेती है, और वो अगर प्रदेश सरकार की कोई ज़मीन अगर लेते हैं तो पैसा दे कर लेते हैं, वो उसके लिए कलेक्टरेट फिक्स किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी का उपयोग क्या होगा अलग अलग जगह से है, जैसा होगा वैसे वो करेंगे। उनके पुनर्वास को लेकर कुछ व्यवस्था
उनके सारा सर्वे हो गया है, 3400 परिवार ऐसे व्यक्ति ऐसे निकले हैं जो हरियाणा के वोटर हैं, परिवार लगभग 1400 हैं। तो ऐसे 1400 परिवारों के लिए हमने कहा है कि हमारे पास वहाँ फ्लैट हैं बने हुए, उस फ्लैट का एक रेट भी तय है, उसकी किस्तें तय करनी हैं और बैंक से तालमेल बैठाना है, कुछ पैसा उनसे पहले लिया जाएगा, बाद में किस्तें करके उनसे वो बैंक को देते रहेंगे। उन 1400 परिवारों का तो मोटे रूप से हमने तय कर लिया है, बाकी परिवार क्योंकि दिल्ली के परिवार हैं, वोटर वहाँ हैं, कोई वोटर कहीं भी नहीं होगा, वो बाद में आया होगा, बैठा होगा, तो जैसा योजना उनकी। वहाँ पर गाँव हैं डबुआ कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी में फ्लैट बने हुए हैं पहले से, ये जो छोटे आशियाना टाइप हैं या जो क्या इनको बोलते हैं, हाँ JNURM, हाँ उसमें बना हुआ। देखिए अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्टिंग में फरीदाबाद से एक केस आया था, लेकिन वो भी एक महीना डेढ़ महीना पहले आया था, रिपोर्टिंग भले 3 दिन पहले की है, लेकिन वो जानकारी हमें मिली कि 1 महीना पहले केस आया था, और उस केस के कारण से कोई हमें नुकसान हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन के अंदर अंदर सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, उसकी लाइफ तो बहुत कम ही होती है, लेकिन जो इन्फेक्टेड आदमी होता है उसका भी 15 दिन के बाद उसके आगे बढ़ने की कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए वो केस तो मैं मान के चलता हूँ उसका कोई खतरा नहीं है। फिर भी थर्ड वेव की बात हो रही है या अलग अलग प्रकार के वायरस हो रहे हैं, कल हमने एक मीटिंग अपने डिपार्टमेंट की रखी है, तो 3 डिपार्टमेंट बैठ के विचार करेंगे, हमने तैयारियां पूरी की हुई हैं, फिर भी उसका समय समय पर रिव्यू है वो हम करेंगे। एक रूटीन का काम है, हो जाएगा। हमने उनको शुभकामनाएं दे दी हैं, ये उनकी अपनी पार्टी का, ये उनकी अपनी पार्टी का विषय, हमें उससे कोई लेना नहीं। एक मिनट। सर सीरो सर्वे भी करवाया जा रहा था हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए, क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है? एक बार जो पहले हमारा दूसरा राउंड हुआ था उस समय तो 43% था, अब तीसरे राउंड की मुझे जानकारी नहीं है कब होगा या होगा कि नहीं हुआ, है कोई जानकारी? सीरो सर्वे अभी करेंगे, पोस्टपोन किया, करेंगे। क्यों, हम अभी चुनाव आया कहाँ है, जब चुनाव आएगा तो डट के लड़ेंगे, किसी ने मना कर दिया? हमारा नहीं नहीं हम नहीं करा रहे, हमारे हाथ में नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में है, उन्होंने पिछली बार जब कोरोना था उस समय कुछ एरिया के टाले थे, कुछ उन्होंने कराए थे, लेकिन अब जैसे ही बाकी प्रदेशों के चुनाव, क्यों एक एक चुनाव नहीं करते हैं वो, तो बहुत प्रदेशों के जो चुनाव इकट्ठे हो जाते हैं उस समय एक साथ कराते हैं, तो जब वो कराएंगे उस समय हमारे गठबंधन में चाहे हम लड़े चाहे JGP लड़े, चुनाव लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, ऐसी क्या बात है, किसी ने कह दिया? ये तो केवल भ्रम पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने ये छोड़ना होता है, वो तुक्का छोड़ा है, लेकिन उस तुक्के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वाला डट करके चुनाव पहले भी डट के लड़े थे, अभी डट के लड़ेंगे। जो गोरी गांव में जो आप पुनर्वास करवा रहे हैं उनको कोई राहत भी देंगे या फिर जो रेट है उसके हिसाब से दिया जाएगा? नहीं नहीं जो रेट राहत क्यों देंगे, वो तो कोई ऐसा नहीं है, पहले भी पैसे खर्च करके ही उन्होंने मकान लिए थे, जिन्होंने लिए थे उनसे अगर वापस ले पाएंगे ले पाएंगे, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनको राहत का, क्योंकि वो सब काम धाम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वैसे लोग हैं। सब तैयारी है, समय भी चुनाव आयोग ठीक समझेगा समय, मैंने कहा कोविड के विषय को लेकर के थोड़ा अभी असमंजस है, ये चिंता और 10-15 दिन में खत्म होगी तो उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। किसान सुनवाई का भी आपने कई जानकारी दी, ऐसा लगभग 50 करोड़ रुपया एजेंसीज की तरफ बकाया था, वो हमने एजेंसीज को दे दिया है, उसमें कुछ लोगों के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स वो मिलते नहीं हैं, और उसके कारण से पैसा देने का भी वापस होता है, वो अभी बचता है, वो आकर के एजेंसी से अपना अकाउंट ठीक करा ले और ट्रांसफ़र करा ले। हमने तो इस बार जिसको लेट भी हुआ है उसको भी हर दिन का इंटरेस्ट दिया है, पहली किस्त इंटरेस्ट की 80 लाख रुपये गई थी, दूसरी किस्त कितनी गई मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहली किस्त का दूसरी किस्त का और भी दिया होगा, वो तो जब किस्त वाइज होता है उसका सारा एक एक दिन का हिसाब हर एक किसान का लगता है, क्योंकि ये पैसा हमारे पास जो बचता है हमें बैंक से मिलता है इंटरेस्ट, बैंक में पड़ा है, बैंक से लेंगे तो उधर से इंटरेस्ट बच जाएगा तो उनको देना होगा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ मनी मनी है उसी को मिलेगी, मतलब उससे ली जाएगी जिसके पास मनी है, जिसका ड्यू है उसको मिलेगी। वो तो नदियों में, हाँ ठीक है, तो अभी आपने मुलाकात करके क्या वो माइनिंग अभी प्रोसेस जारी रहेगा या 30 जून वाले सरकार के आदेश
नहीं नहीं वो 30 जून तो वैसे तो कोई निर्णय हो ना हो 30 जून का तो बरसात के कारण से बंद होता है 3 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर से फिर खुलता है, वो परमानेंट नियम है। इसी में एक सवाल और सर, एनजीटी ने बार बार सरकार को भी लिखा, पर्यावरण विभाग को भी लिखा कि कुछ क्रेशर ऐसे हैं जो अवैध रूप से चला रहे हैं, लेकिन प्रमुखता से देखा गया कि क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है और स्थिति ये होती है जब तक वो पहुँचते हैं तब तक मतलब देखिए कोई भी कमी उसको पूरा करेंगे। अगर स्टाफ की कमी हो तो नियमित भर्ती अब हम क्लास 4 की क्लास 3 की करने वाले हैं, बल्कि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है उसमें लगभग 7 लाख ऐसे एप्लीकेशन आ चुकी हैं, लेकिन जब उसकी डेट तय करेंगे उस डेट से पहले उसको पोर्टल को खोलेंगे और 1 महीने के लिए वो खुलेगा लगभग, और उसके बाद क्योंकि उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले अपनी योजना बना रहे हैं और हमने उनको कहा कि अब क्योंकि परीक्षाएँ परिणाम आते ही 10वीं के 12वीं के जैसे परीक्षा परिणाम आ जाएंगे, 10वीं को तो अब आई गए समझो कोई उसका अंतर है नियम, 12वीं प्लस टू का जो है वो आने वाला है, तो जैसे आ जाएगा फिर उसके बाद उनकी योजना बना करके टाइम दिया जाएगा कि अब फार्म भरने के लिए टाइम, और फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिंगल एग्जाम ग्रुप डी का और सी का। नहीं बढ़ाएंगे उसको उसमें हमने उसको परिवार समृद्धि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपए साल का घोषणा की हुई है, पिछले साल हमने 4,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन वो कैश देने के बजाय जितनी स्कीमें होती हैं खास करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्कीमें, उनको कोई 60 वर्ष के बाद कोई इंश्योर मिले पेंशन मिले, और उससे पहले ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 12 रुपये प्रति सदस्य का हर साल का होता है, 330 रुपया जीवन सुरक्षा योजना का होता है, ऐसे उनकी जो फसल की किस्त देते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ऐसी किस्तें जो लोग नहीं देते हैं उसका फार्मूला सब बना करके और वो उसमें से काटा जाएगा, बाकी पैसा बचाएगा उनके खाते में जमा कराएंगे। थोड़ा उसमें डिले चल रहा है, बहुत जल्दी क्योंकि कोविड के कारण से सारी चीज़ें रुक गई थी, अब ये सारा दोबारा से शुरू करके इस साल का हम हर एक का जो उस रेंज में आते हैं सबको देंगे। अलग डी का अलग होगा सी का, कुछ लोगों ने तो दोनों फॉर्म भरे अपने सी बी डी भी, कुछ लोगों की जिनकी हायर एजुकेशन थी वो अपना केवल सी का भरा डी का नहीं भरा, जिनकी लोअर एजुकेशन थी कुछ लोगों ने केवल डी का भरा है वो सी का भर ही नहीं सकते थे, और इसमें हरियाणा के लोग लगभग अभी तक जो भरे गए 99% लोग हरियाणा के हैं, 1% आदमी बाहर का है सिर्फ, 7 लाख में से 8,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हरियाणा के बाहर की हैं। देखेंगे हमें ध्यान में है ये विषय, तो ये अभी उनको नौकरी की अभी ध्यान में है विषय, कोई निर्णय उसका पुख्ता निर्णय लेंगे। जिनकी मंजूरी के लिए बोला था जो चेयरमैन ने कि उन्हें का एंट्रेंस टेस्ट करवाना है या वैसे किया जाए, वो तो जो पहले से भरे गए हैं फार्म और जिनकी पहले हो चुका विज्ञापन वो पुराने सिस्टम से चले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।